घरेलू उपाय में आपका स्वागत है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुछ आसान घरेलू उपाय के बारे में। जी हाँ, घर पर आप जैसे सर जुकाम है या फिर कुछ छोटे मोटे अगर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं घर पर, तो आप घरेलू ही जड़ी बूटियों या फिर घरेलू नुस्खों के द्वारा या फिर घरेलू उपायों के द्वारा इसे कैसे सही कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको कई सारे टॉपिक्स, कई सारे ट्रिक्स बताने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। 2 चम्मच धनिया उबालकर सेवन करने से आँव में फौरन लाभ मिलता है। प्रातः काल बिना कुछ खाए 5 दाने मुनक्का खाने से कब्ज दूर होती है। लौंग के तेल की 2-3 बूंदे चीनी या बतासे के साथ लेने से हैजे में फायदा होता है। 1 गिलास गर्म पानी में 1.5 चम्मच शहद गरारा करने से बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है और अजवाइन और आपकी आवाज़ खुल जाती है। शहद और अदरक का रस 1-1 चम्मच निकालकर सुबह शाम पीने से जुकाम ठीक हो जाता है। अरंडी के तेल में कपूर मिलाकर सुबह शाम मसूड़े पर मलने यह प्रयोग मसूड़ों के लिए अत्यंत लाभकारी है। अमरूद के पत्ते को 1 लीटर पानी में उबालकर काढ़ा तैयार करें। पत्तियों को इतना उबालें कि उसका रस उस पानी में आ जाए और पानी उबले दूध की तरह गाढ़ा हो जाए। इस काढ़े को बार बार कुल्ला कीजिए, इससे भयानक से भयानक दांत का दर्द भी दूर हो जाएगा। हल्दी और दूध गर्म कर उसमें गुड़ मिलाकर पीने से जुकाम, कफ व शरीर दर्द से राहत मिलती है। जायफल के तेल का हाफा दांत में रखने से दंत क्षय रुक जाता है और दांत के कीड़े मर जाते हैं और दंत की पीड़ा भी शांत होती है। देसी घी को जरा सा गर्म करके उसमें चुटकी भर नमक मिलाकर होठों पर मले, होठ का फटना बंद हो जाएगा। जहां खटमल दिखाई दे वहां नारंगी का छिलका कुचल कर रख दे, खटमल 9-2-11 हो जाएंगे। भुने हुए प्याज को पीसकर उसमें जीरे का चूर्ण और मिश्री मिलाकर खाने से लू का प्रकोप नष्ट होता है। मुख की दुर्गंध तथा छाले दूर करने के लिए अनार की छाल पानी में उबालकर थोड़ी देर मुंह में रखकर गरारा करें, आपकी मुंह की दुर्गंध खत्म हो जाएगी। खांसी आने पर अरवी की सब्जी खाएं, इससे खांसी में तुरंत आराम मिलेगा। तुलसी के पत्ते का रस चीनी में मिलाकर पीने से दिन में 2-3 बार प्याज खाने या इमली के भिगो कर उसका पानी पीने से लू नहीं लगती है। जले हुए स्थान पर केले का गूदा लगाने से जलन मिटेगी व फफोले नहीं पड़ेंगे। कत्था पानी में घोलकर गाढ़ा गाढ़ा छालों पर लेप करें या गाय के दूध से बने दही में पका केला मिलाकर खाएं, छाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। गन्ने का रस पीलिया रोग में बड़ा लाभप्रद होता है। अगर आप गन्ने का रस सेवन करते हैं पीलिया रोग में, तो बहुत ही लाभप्रद होता है। पीलिया जड़ से कट जाता है और पीलिया ठीक हो जाता है। कपूर के चूर्ण को नारियल तेल में मिलाकर रात को सिर में लगाएं। सुबह इसे अच्छे तरीके से शैम्पू से सिर को धो लें, जुए मर जाएंगे। ततैया काटने पर कटे हुए स्थान पर तुरंत मिट्टी का तेल लगाएं, जलन शांत हो जाएगी। 1 चम्मच लहसुन का रस, 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 3-4 बार सेवन करने से कफ और खांसी में राहत मिलती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये सभी घरेलू उपाय आप अपनाएंगे और अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाएंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी जगहों पे शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।